हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माजी सर। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल यानी दशमलव का जोड़। ऐसी संख्या जो डेसिमल में होते हैं आज हम लोग उसको जोड़ना सीखेंगे, यानी उसका ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ डेसिमल। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर दिए हुए हैं जिसे यहाँ लिखे हुए हैं 25.6 प्लस 16.25 प्लस 32। ठीक है, अब ये तीनों नंबर को हम लोग ऐड करना सीखेंगे। ऐड करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी है लाइक डेसिमल में ये नंबर जितने भी नंबर्स हैं सब लाइक डेसिमल में होना चाहिए। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि यहाँ पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट है ही नहीं, यानी पॉइंट ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यानी चेंज करेंगे। तो 25.6 और एक जीरो लगा देंगे ताकि ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो मिल जाए। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, दो डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, एक, तो हम जीरो देके दो डिजिट कर दिए। और प्लस 32 जब लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो हम पॉइंट लिख के दो डिजिट अपने से लिख देंगे ताकि ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, दो। यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, दो। यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, दो। अब ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है यानी चेंज हो चुका है। अब हम इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए नंबर को लिखना शुरू करते हैं। 06.52 इधर से लिखना शुरू करें नंबर को, फिर 52.61, फिर लास्ट नंबर 00.2 और 3। अब ये तीन नंबर को हम लोग जैसे ऐड करते हैं उसी तरह इजिली ऐड कर लेंगे। 5 का 5, 6 to 8.56, 11 to 13 3, कैरी 1, 2 1 4 3, 3 और 3 6 और 1 कैरी वाला था 7 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाएगा 73.85। इसी तरह से एक और नंबर का हम लोग बना के देखेंगे। तो पहले आप लोग नोट कर लें इस नंबर को और मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए 17 + 6.235 + 4.5 है। तो हम क्या करेंगे, ये जरूरी नहीं कि तीन नंबर का ही हो, दो नंबर में भी ऐड कर सकते हैं या दो से अधिक यानी चार पांच नंबर भी रहेगा तो हम इस तरह से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पॉइंट के बाद सबसे अधिक नंबर कितने हैं, ये है तीन, 1 2 3। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद तीन डिजिट है, यहाँ पॉइंट है ही नहीं। तो सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हर नंबर को पॉइंट के बाद तीन डिजिट में चेंज करेंगे। 17.123 तीन जीरो कर देंगे प्लस, क्योंकि कोई नंबर नहीं था इसीलिए हमको तीन जीरो बैठाना पड़ा। 6.235 ये पॉइंट के बाद थ्री डिजिट है पहले से, प्लस 4.5 ये एक डिजिट है, हमको इसको तीन में बदलना है क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद थ्री डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद थ्री डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद थ्री डिजिट ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो जीरो लगा देंगे, यहाँ पॉइंट के बाद थ्री डिजिट आ गया। अब ये क्या है, इस नंबरों को सबसे पहले हम लोगों ने लाइक डेसिमल में बदल दिया। अब लाइक डेसिमल में बदलने के बाद इन नंबरों को लिखना शुरू करेंगे इधर से 0.00.71। ठीक है, अब अगला नंबर को लिखेंगे 532.6। याद रखिएगा नंबर हमेशा इधर से ही लिखेंगे ताकि हमारा नंबर जो है वो ठीक से प्लेस हो सके, लिखा सके और हम एड ठीक से कर सके। फिर लास्ट नंबर को लिखेंगे 005.4। अब चलिए ये तीन नंबर हो गया, तीन नंबर का ऐड कर लेते हैं।
एड वैसे ही करना जैसे हम लोग करते हैं, 0 5 5 हो गया, 0 3 3 हो गया, 5 2 7 कोई कैरी नहीं है, 6 4 10 7 17 का 7 कैरी 1 और 1 1 हो गया 2। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 27.735। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। अब आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग नंबरों का यूज करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखें सबसे पहले हमको उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, लाइक डेसिमल में, तब ऐड करने में आसानी होगी और तब हम लोग अच्छा से ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में भी आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।